बड़वानी जिले के राजपुर में कल रात पुलिस ने दबंगई दिखाते हुए आम नागरिकों और दुकानदारों को जमकर धमकाया। घटना के सीसीटीवी फुटेज अलग अलग दुकानों से सामने आए। खाकी जिसकी मौजूदगी से आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जब वही खाकी धमकाने पर उतर आए तो फिर जनता का हाल क्या होगा। जी हाँ, मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पदस्थ टीआई अनिल बामनिया अपने स्टाफ के साथ कल रात सड़कों पर उतरे और मार्केट में खुली दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने लगे। कुछ दुकानों पर मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया, जिसमें टीआई डंडा दिखाकर और दुकान के सामान पर डंडा मारकर दुकानदारों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि सीसीटीवी में भी समय लगभग 10:30 के लगभग का आ रहा है, जबकि सामान्यतः 11 के बाद ही पुलिस दुकानों को बंद कराती है, वो भी सामान्य तरीकों से। यह सारे वीडियो लेकर सांसद गजेंद्र पटेल और भाजपा संगठन के पदाधिकारी बड़वानी एसपी के पास पहुंचे। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ने इसे नशे में धुत थाना प्रभारी की गुंडागर्दी बताई और गृह मंत्री बाला बच्चन के गृह ग्राम में पुलिस के इस रवैये पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और गृह मंत्री से इस बात पर जवाब मांगा है। तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। वहीं एसपी ने मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।